सो हे गाइस, वेलकम बैक टू नोर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में सेंटा क्लॉज को ड्राइंग करने वाला हूँ क्रिसमस डे स्पेशल। और इस ड्राइंग को आप लोग आर्ट कंपटीशन में भी यूज़ कर सकते हो। और जिसको भी नहीं पता, मैं एक आर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया हूँ, वीडियो की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार जरूर से आप लोग चेकआउट कर लेना। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पर A3 साइज की ड्राइंग पेपर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि ब्रूस्टर की वाटर कलर पेपर है। और अगर आप लोगों के पास ये वाला पेपर नहीं है, तो आप लोग कोई भी वाटर कलर पेपर से इस ड्राइंग को कर सकते हो। इवन आप लोग A4 साइज में भी ड्राइंग को कर सकते हो। किस तरीके से करना मैं आगे बोल। और अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पर ग्रिड फॉर द आर्टिस्ट मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करके रिफरेंस फोटो के ऊपर ऑलरेडी ग्रिड लाइंस बना लिया हूँ। और एक चीज यहाँ पर आप लोग नोटिस करो कि मैं इस ड्राइंग को फुल नहीं कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं लैंडस्केप में क्रॉप करके कर रहा हूँ। और जिसको भी नहीं पता रिफरेंस फोटो के ऊपर ग्रिड लाइंस को किस तरीके से क्रिएट करना चाहिए, तो देखो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। एक वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर लेना। और रिफरेंस फोटो को मैं A3 साइज में सिलेक्ट करके रखा हूँ। और सेल साइज में यहाँ पर आप लोग जैसे कि आप लोग देख सकते हो 30 mm रखा हूँ। तो रिफरेंस फोटो के ऊपर जिस तरीके से ग्रिड लाइंस बना हुआ है, वैसे ग्रिड लाइंस अगर ड्राइंग पेज के ऊपर भी बनाना है, तो हमें 30 mm मतलब 3 सेमी छोड़ के चारों तरफ ड्राइंग पेज के ऊपर मार्क करना होगा। तो 3 सेमी छोड़ के अभी मैं मार्क कर लेता हूँ, जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और यहाँ पर 3, 6, 9 इतना तक मार्क करना है ऊपर की तरफ। और नीचे भी सेम वैसे ही मार्क कर लेना है अभी। और अभी बाकी के साइड्स में भी 3 सेमी छोड़ छोड़ के ही मार्क करना है, बट इस बार 27 सेमी तक मार्क करना है। ओके, चारों तरफ मार्क हो गई है। और अभी ऊपर और नीचे जो भी डॉट्स है, उन सबको इस तरीके से लाइंस में मैच करते जाना है। और जितना हो सके लो प्रेशर में इन सब लाइंस को ड्रॉ करना, क्योंकि बाद में इन सब लाइंस को इरेज भी करना पड़ता है। और अभी सेम चीज ऑपोजिट साइड में भी करना है। और हाँ, एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया था कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं इस ड्राइंग को A3 साइज में कर रहा हूँ, और ड्राइंग पेज की चारों तरफ मैं 3 सेमी छोड़ छोड़ के मार्क करके इस ग्रिड लाइंस को क्रिएट कर रहा हूँ। और कोई भी अगर इस ड्राइंग को A4 साइज में करना चाहते हो, तो 3 सेमी की जगह 2 सेमी छोड़ छोड़ के आप लोगों को मार्क करना होगा। बाकी की जो भी मैं कर रहा हूँ, सब कुछ प्रोसेस सेम है। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ग्रिड लाइंस क्रिएट हो चुके। और अभी आप लोग रिफरेंस फोटो में ध्यान से देखो, ऊपर की साइड में और लेफ्ट साइड में 1, 2, 3, 4 करके नंबरिंग किया हुआ है। सेम चीज़ अभी हमें ड्राइंग पेज के ऊपर भी करना है। तो ऊपर की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 देखना, टोटल 14 बॉक्सेस होगी। और नीचे से 2 से स्टार्ट करना है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 बॉक्सेस होगी नीचे की तरफ। और अभी हमें ड्राइंग को स्टार्ट करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाला आईसेस ड्राइंग को स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो ऊपर की तरफ आप लोग देख सकते हो ये 9th नंबर बॉक्स पे, और लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हो ये 5th नंबर बॉक्स पे। तो इसी चीज़ को हमें अभी ड्राइंग पेज के ऊपर भी फाइंड करना है। तो ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और नीचे से 2, 3, 4, 5 ऐसे ड्राइंग को स्टार्ट करना है। तो बस इसी तरीके से कौन सी बॉक्स में आई है, कौन सी बॉक्स में नोज है, कौन सी बॉक्स में लिप्स है, इस तरीके से फाइंड करते जाना है। और आप लोग को एक परफेक्ट आउटलाइन रिजल्ट मिल जाएगी। बाकी आप लोग देखो मैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ।
तो बस गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अभी आप लोग कमेंट्स पे जाओ और लिखो कि मैं इस ड्राइंग को कौन से मीडियम पर करूँ, और इस ड्राइंग की रेफरेंस फोटो और मेरी ड्राइंग की रेफरेंस फोटो की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।